हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो ये साइड मेरे बगल में जो आपको दिख रहा है, ये PWD का रेस्ट हाउस है जहाँ पर मेरे को जॉब लगी है। 1.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पर लगे हुए, और दिखाता हूँ कुछ आपको यहाँ का व्यू कैसा है। सो गाइस, देख सकते हो आप क्या ही सही व्यू है यहाँ का, और बिल्कुल हाईएस्ट पर यह प्लेस आता है। इस साइड से निचली साइड है जेई का ऑफिस, PWD जेई का ऑफिस, और इतना सही व्यू है ना यहाँ का। बंदे एक बार अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो बार बार घूमने के लिए आए होते हैं कोई ना कोई। और इस साइड निचली साइड है मेरा स्कूल, और ये जो पहाड़ियाँ आपको दूसरी साइड दिखाई दे रही है, इस साइड है मेरा घर। इस साइड यहाँ से दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। घर के काफ़ी नज़दीक मेरे को जॉब लगी हुई है, तो कभी कभी तो काफ़ी खुशी होती है और कभी कभी काफ़ी दुख भी होता है कि घर से बाहर भी जाना था लेकिन अब जॉब लग गई है यहाँ पर, तो अब टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। सो गाइस, चेक करिए आप क्या ही सही व्यू है यहाँ रेस्ट हाउस का। चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। साइड यहाँ से बंद होगा, दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ लगा है ताला जो कि VIP रूम है। और इस साइड देखो गाइस, एक पिक्चर लगाई है मंडी की। साइड देखिए गाइस, क्या ही सही व्यू है यहाँ। भी स्टाफ के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, जो भी बंदे आते हैं गेस्ट वगैरह वो यहीं पर पहले थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, उसके बाद फिर यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो इस साइड है किचन, और ये है गार्डन। और ये है छोटा सा ग्राउंड। गाइस, ये नज़ारा देखकर तो हर कोई यहाँ पर आना चाहेगा। देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको अपना स्कूल जहाँ पर मैंने +2 की है, और काफ़ी कुछ यादें बना के रखी है, और आज दिन याद आते हैं वो कि कोई टाइम था जब मैं यहाँ पर खूब मस्ती करता था, लेकिन आज वो नज़ारा सिर्फ देखने लायक रहा है। सो गाइस, आप भी देखिए मेरा प्यारा स्कूल भामला, जहाँ पर काफ़ी यादें बना के रखी हुई है मैंने। तो आज मेरे को इस स्कूल को देख के गाना याद आ रहा है कि यादें वो यादें, मेरे सारे यार दोस्त कमीने, जैसे भी थे अच्छे ही थे। सो गाइस, ये है स्पोर्ट्स रूम। यहाँ बाहर शायद काम वगैरह लगा होना, और यह है प्लेग्राउंड। इस साइड बैडमिंटन का, और यहाँ पर बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल का तो निचली साइड है, और ये रहा साइंस ब्लॉक। और इस साइड ये है लाइब्रेरी, एंड निचली साइड प्रिंसिपल ऑफिस, और दूसरी साइड है हमारा आर्ट्स ब्लॉक एंड कॉमर्स ब्लॉक। और ये निचली साइड दिख रहा है, ये हॉल है। गाइस, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ तो नीचे जा नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड सिर्फ यहाँ से ही दिखा सकता हूँ आपको अगर नीचे गया तो। गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते हैं और बाद में उस वीडियो को ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं सभी दोस्तों को यह दिखाना चाहता हूँ कि आप भी देखिए हमारा पुराना टाइम कैसे बीता था और आज का टाइम कैसे बीत रहा है। तो गाइस सब देखना, सारे दोस्त देखना, जो भी होगा वो सभी लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना, क्योंकि ये दिन बाद में फिर से देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस आज मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, एंड चेक करना गाइस कैसी लगती है। और बहुत सारी कमियां हैं मेरे में क्योंकि अभी मेरे को वीडियोस वगैरह बनाना नहीं आती है, तो सिर्फ हाथ ही जोड़ सकता हूँ। और गाइस मैंने ना गाने के लिए काफ़ी प्रयोग किया था, काफ़ी मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ, हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ जो है ना वो संघर्ष का मैदान है। अगर हम संघर्ष को छोड़ देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, सिर्फ इतना कह सकता हूँ। और बने रहिए मेरे साथ एंड खाता हूँ आपको थोड़ा बहुत। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना। गाइस अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसी ब्लॉग्स वगैरह बनाते हुए, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कैमरे के सामने बोलने के लिए। सो गाइस अब टाइम तो लगेगा ना, अब कोशिश तो कर रहे हैं। अब कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर कर नौका कभी पार नहीं होती। काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स देखता था मैं पहले, और उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होके मैंने भी थोड़ी बहुत शुरुआत करना शुरू कर दी है। लेकिन मेरे को भी विश्वास है कि आज नहीं तो कल निकलेगा और हर मुश्किल का हल निकलेगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि गाइस यहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरे को काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है, और आपको भी दिखाना चाहूँगा कि कैसी लाइफ होती है एक PWD के बंदे की और कितना संघर्ष उसकी ज़िंदगी में होता है। गाइस हम तो अभी नए नए लगे हुए हैं, हमने तो उतना देखा नहीं है, लेकिन जो पहले वाले जैसे अंकल वगैरह होते हैं तो उनकी जो बातें हैं उनको मैंने सुना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, तब जाकर रेगुलर हुए हैं, तब जाके उनको रेगुलर पोस्ट मिली हुई है। गाइस मेरे को तो अभी 1.5-2 साल हुए लगे हुए, तो 4500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी तो मतलब 150 रुपये रखो आप, उससे क्या गुजारा हूँ, तो बस लगे हुए हैं फिलहाल, आगे देखते हैं ज़िंदगी में क्या ही होता है। तो चली हुई है ज़िंदगी, जैसी भी चली हुई है अच्छी है, आगे देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करता हूँ, मिलता हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ।